नगर निकाय चुनाव के बाद जीते प्रत्याशियों को मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में शपथ दिलाई जाएगी। 12 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शिरकत करेंगे। इसी को लेकर नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल और प्रशासनिक अफसरों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। पूरे पंडाल को भगवे से सजाया गया। लगभग 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, क्या तैयारी है, किस तरह से आप ले जाओ? सब तैयारी हो चुकी है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि उन्हीं का जिम्मेदारी है। और पहले मंडल आयुक्त के महोदय के द्वारा महापौर को किया, महापौर के द्वारा पार्षदों को। कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कौन मुख्य? हम रहेंगे, हमारे पार्षद रहेंगे, सारे सांसद विधायक मंत्री सब रहेंगे। क्या प्राथमिकता रहेंगे, क्या प्राथमिकता चाहिए बताओ आगे? क्योंकि आप दोबारा से महापौर आप खुद चुने गए हैं, क्या आपकी आगे प्राथमिकता है, किन प्राथमिकताओं को लेकर के आप आगे काम करना चालू कर दें? जो हमारा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सरकार के द्वारा, उस संकल्प पत्र को लेकर हम कार्य करेंगे। क्या अपील आप करना चाहेंगे जनता से? कल आपका शपथ ग्रहण समारोह है, आए यहाँ पर जनता में अवेयरनेस आए, अपने दायित्वों को कर्तव्यों का वो निर्वहन करें, तभी हमारे से भी उनको पूर्ण सहयोग वो है। चूँकि हर व्यक्ति को कर्म भी करना पड़ता है, अपने कर्तव्यों का भी पालन करें और सरकार भी उनके साथ है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।